खास नगर पालिका के प्रधान सेवाराम सैनी मौजूद है और उनसे जानेंगे जो ये लोगों का आक्रोश है कि हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। सर पूरा मामला क्या है सर? कोई किसी का घर नहीं तोड़ा जा रहा है, केवल इलीगल रूप से जो ईंटें लगाई हुई है उनको हटाया जा रहा है। कि यहाँ पर कम्युनिटी हॉल बनने जा रहा है, 2.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका टेंडर छूटा हुआ है और काम शुरू करना है। जो ये नींव जो घर है ये बने तोड़े गए हैं थोड़ा बहुत जो ये तोड़ा नहीं गया, ये लोग अपने आप तोड़ रहे हैं, इन्होंने अपने आप खुद ही तोड़ा है। मतलब ये अनलीगल है जो इतना एरिया जो इनका? हाँ इलीगल है बिल्कुल। सेवाराम सैनी को का साफ तौर पर कहना है, जो नगर पालिका के प्रधान है उनका साफ तौर पर कहना है जो ये लगाया इनको पहले से नोटिस कराया गया था और किसी तरह की कोई इनके घरों को तोड़ा नहीं जा रहा, ये लीगल है बिल्कुल। हमारे साथ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है, सेक्रेटरी साहब से भी जानेंगे। सर देखिए मौके पर आपको दिख ही रहा है कि इन लोगों ने अपनी कच्ची ईंटें लगा रखी, ईंट के ऊपर ईंट है ना, तो ये कोई पक्का मकान बनाया है इन्होंने, हमारी लैंड पे जो है इनक्रोचमेंट की हुई है। और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो आप इनको पहले नोटिस में ला दिया गया था, अब उसको हटवाया जा रहा है। सेक्रेटरी साहब इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। देखिए इनको पहले बता दिया गया था, इन लोगों को काफ़ी सारे लोगों ने पहले ही अपने कब्जे खाली कर लिए हैं, कुछ 2-3 लोग जो हैं अपने नहीं हटा रहे हैं, उन लोगों को पहले साहब को जो है जानकारी दे दी गई थी कि आप लोग अपना सामान व सारी चीज़ें हटा लीजिए। ये आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना समय से पॉलीथिन वगैरह है यहाँ पे, जो काम है वो काफ़ी ज़रूरी भी है करवाना, लोगों की सहूलियत के लिए है ये, मतलब और ये ठीक काम हो रहा है जी। क्या कहना? कोई नोटिस नहीं दिया गया, मेरी बाउंड्री लिखी हुई है इनके पास, ये कह रहे ईंट लगा रखी हैं, मेरी बाउंड्री लिखी 5-6 साल पहले से जो मेरा गया हुआ है, इनके पास है बाउंड्री लेकिन ये कह रहे ईंट लगा रखी हैं। वार्ड के एमसीबी हमारे साथ मौजूद है सुनील बाबू, सुनील बाबू से भी बात करेंगे क्योंकि इन्होंने सुनील बाबू पर आरोप लगाया है कि साफ तौर पे कहा है कि जो ये करा रहे हैं सुनील बाबू करा रहे हैं। जी हाँ सुनील बाबू जी, आप बताइए आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए भाई साहब, जो भी अच्छा काम होता है ना, जिस भी गली में हमने काम किया है और बढ़िया बढ़िया जो प्रोजेक्ट शहर के लिए है, तो कुछ लोगों ने रोड़ा डालने का काम करा, वो यहाँ भी हो रहा है। तो लगभग ये जो जगह देख रहे हो अब 200 वर्ष पुरानी है, जहाँ पूरे शहर मंडी का कूड़ा डलता है, आज बेहतरीन काम कर रही है नगरपालिका। तो चंद व्यक्ति जिनका कुछ नहीं है और ना किसी का मकान गिरा रही नगरपालिका, और मैंने बोला है किसी की एक भी ईंट नहीं हिलेगी। सिर्फ और सिर्फ बाढ़ है ना, जो जिसे ट्रम्प रैली कब्जा बोलते हैं, जो गोबर के उपले थे, सिर्फ वो है। तो बड़ा इशू ना कर ये शहर के विकास कार्य में सहयोग देना चाहिए, गंदी राजनीति को परे हटके, ऐसा ही यहाँ हो रहा है। यहाँ सुनील बाबू का साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह का किसी का घर नहीं गिराया जाएगा, घर की बात क्या, ईंट भी नहीं हटाई जाएगी। जी हाँ, बुलडोजर जो अभी यहाँ पर रुका गया है, अब देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, और पूरा आक्रोश है सभी के सामने। बड़ी खबर है दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश है कि कहीं